आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां सोमवार को पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपी महिला की उम्र 22 साल है और वह युगांडा की रहने वाली है। पुलिस ने इसके पास से 1.5 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसे यह मछलियों के अंदर छुपाकर ले जा रही थी। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 7.5 करोड़ रुपए है। जालंधर जोन के आईजी अर्पित शुक्ला के मुताबिक उन्हें खबर मिली थी कि मोगा जाने वाली बस में एक ड्रग तस्कर भी है। इसके बाद पुलिस ने मोगा जगराव हाईवे पर युगांडा की रहने वाली रोसट्टी नमूटबी को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला मार्च 2017 में मेडिकल वीजा पर इंडिया आई थी और अभी वह दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई महिला मृत मछलियों के अंदर ड्रग की तस्करी करती थी। मछलियों के अंदर 50 से 50 ग्राम के कैप्सूल बनाकर भरे जाते थे। पुलिस ने ऐसे 30 कैप्सूल 6 मछलियों के अंदर से बरामद किए हैं। आरोपी महिला ने बहुत ही शातिर तरीके से एक थैले के अंदर मछलियां रखी हुई थी और उसके ऊपर बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे थे।